नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में बीए बीएड और बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की एडमिशन प्रोसेस क्या है, इस बारे में यह वीडियो है। बीए बीएड कोर्स 12वीं के बाद किया जाता है, 4 साल का होता है। इसके बाद आपको जो डिग्री मिलती है उसमें बीए और बीएड दोनों डिग्रीज इंक्लूड होती है। अगर आपने बीएससी बीएड किया है तो आपको बीएससी और बीएड ये दोनों डिग्रियाँ मिल जाएगी। और जैसे कि मैंने कहा, 12वीं के बाद 4 साल के ये कोर्स होते हैं। बीए बीएड एक अलग कोर्स है और बीएससी बीएड एक अलग कोर्स है। इसको इंटीग्रेटेड बीएड भी बोलते हैं। इसकी एडमिशन प्रोसेस ओवरऑल महाराष्ट्र में क्या है, इसके बारे में यह वीडियो है। यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। अगर आपको और भी ज़्यादा प्रिसाइज जानकारी चाहिए तो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एडमिशन प्रोसेस वाली ऑफिशियल साइट को विजिट करना चाहिए। महाराष्ट्र शासन की सीटी सेल की यह वेबसाइट है, आप इसको रेगुलरली विजिट करना चाहिए। यहाँ सिर्फ बीए बीएड बीएससी बीएड ही नहीं, सारी जो एग्ज़ाम्स होती है सीटी, उन सारी एग्ज़ाम्स के बारे में यहाँ इस वेबसाइट पर आपको जानकारी मिल सकती है। यह ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। खास बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए जो एडमिशन की साइट है, यह वह साइट है, इसकी भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। रेगुलरली इन साइट को विजिट करते रहिए ताकि आपको सारे अपडेट्स एडमिशन के बारे में पता चले। आइए जानते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या है ओवरऑल, शुरू से लेकर अंत तक। पहले आपको सीटी एप्लीकेशन करना होगा ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर। वो आपका कंफर्म हो गया वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के बाद, आपका कुछ दिनों बाद जब भी कभी सीटी होगी उससे पहले आपको एडमिट कार्ड आएगा, वो भी आपको ऑनलाइन आएगा। उसी वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा और आपको सीईटी के लिए जाना होगा, जिस दिन भी सीईटी होगी उस दिन के लिए। यह सीईटी जो होती है वो ऑनलाइन होती है, लेकिन आपको उस सेंटर में जाना होता है जहां आपको एडमिट कार्ड के ऊपर आप सेंटर का नाम आ जाता है। कंप्यूटर्स पर होती है, ऑनलाइन मोड में होती है। उसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में सीईटी के ब्रोशर में सारी जानकारी दी हुई होती है। उसके बाद ऑनलाइन ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है कुछ सीईटी के कुछ दिनों के बाद, और फिर आपका सीईटी स्कोर आने के बाद कुछ दिनों बाद आपको एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जिसमें आप कॉलेज प्रेफरेंस दे सकते हो। यहाँ तक आप सिर्फ सीईटी के बारे में कर रहे हैं, उसके बाद में यहाँ से हम एडमिशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आपको कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म ऑनलाइन ही देने होंगे और वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने होते हैं जो आपको रिक्वायर है, आपको आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो प्रूव करने के लिए। उसके बाद आपका जो मेरिट स्कोर है वहाँ पर डिक्लेयर होगा। मेरिट स्कोर वो होता है जो सीईटी का स्कोर है वो मेरिट होता है, और आपको टोटल जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उनमें से आपका मेरिट कितना है। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, उस बारे में भी वहाँ जानकारी दी हुई होती है। मेरिट लिस्ट फाइनल होने के बाद आपके मेरिट के हिसाब से और कॉलेज के प्रेफरेंस के हिसाब से पहली मेरिट लिस्ट लगती है, पहले राउंड की मेरिट लिस्ट लगती है। उसे कैप राउंड इसलिए कहा जाता है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का फर्स्ट राउंड। लिस्ट लगने के बाद अगर आपको जो कॉलेज चाहिए उस कॉलेज आपको अगर मिल गया है तो आपको कॉलेज को विजिट करना होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। वहाँ पर आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो आपने यहाँ पर अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट है ये वेरीफाई किए जाएंगे, और जो भी जानकारी अगर डॉक्यूमेंट सही है तो आपको फीस पे करनी होगी और आपका एडमिशन हो गया। मान लीजिए राउंड वन में आपको वह कॉलेज नहीं मिला जो आप चाह रहे थे तो आप एडमिशन डिनाई कर सकते हो, और आपको नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से एक बार कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म आप एडिट कर सकते हो। राउंड टू के लिए आपको कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म आप एडिट कर सकते हो या फिर जैसे थे भी रख सकते हो, और आप वेट कर सकते हो कि आपको जो कॉलेज चाहिए वो मिले। और अगर आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो फिर आपको इसी तरह से कॉलेज को विजिट करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, फीस करना है और आपका एडमिशन डन करना है। अगर राउंड टू में भी नहीं हुआ तो राउंड थ्री के लिए जाते हैं। राउंड थ्री इंस्टीट्यूशनल राउंड होता है, लेकिन यहाँ भी यह मेरिट के बेस पर ही एडमिशन होता है। यहाँ पर कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है, जो आपका सीईटी का मेरिट स्कोर है उसी बेसिस पर यहाँ पर आपका एडमिशन होता है। इस तरह से ये एडमिशन प्रोसेस का ओवरव्यू है।
एक और बात जरूरी, आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है एडमिशन के बाद उस कॉलेज में सबमिट करने होते हैं, ताकि बाद में इसका गवर्नमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन होता है, जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई गवर्नमेंट करती है, इसलिए ये कॉलेज में सबमिशन करना ज़रूरी होता है। अगर आपका आपने अगर किसी राउंड, मान लीजिए आपको राउंड वन में एक कॉलेज मिला और आपने वहाँ एडमिशन नहीं लिया, तो वहाँ से आपका खत्म जो क्लेम होता है वो चला जाता है। आप नहीं कह सकते कि यहाँ पर मुझे राउंड टू में भी एडमिशन चाहिए। राउंड वन में आपका नाम लगा है, आपको आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, राउंड टू के लिए आपको फिर से फॉर्म भरना होगा। ज़रूरी नहीं कि आपको पहले वाला कॉलेज ही मिले या ना मिले या ना मिले, तो आप क्लेम नहीं रख सकते। हर राउंड एक नया राउंड होता है, उसमें आप उसके लिए आपको फिर से कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म एडिट करने होते हैं। और याद रखिए, मान लीजिए आपने किसी भी राउंड में एडमिशन नहीं मिला, तो जो भी आपका सीईटी स्कोर है वो एक्सपायर हो जाएगा एडमिशन प्रोसेस के बाद। अगले अगले साल अगर आपको एडमिशन लेना है तो फिर से एक बार सीईटी देनी होगी, फिर से एक बार आपको अच्छे से स्कोर लाना होगा। ये पूरी जो एडमिशन प्रोसेस है वो मेरिट बेस्ड है, ऑनलाइन प्रोसेस होती है, उसकी वेबसाइट्स होती है जो मैंने आपको दिखाई अभी और जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ। पूरी जो एडमिशन प्रोसेस है ट्रांसपेरेंट होती है, कहीं पे भी कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, और पूरी जो प्रोसेस है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेट की जाती है, इसलिए कोई भी यहाँ पर माल प्रैक्टिस की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। कोई आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल किसी पे भरोसा ना करें। आप रेगुलरली जो ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ पर अगर देखते रहेंगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इससे भी आगे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप नज़दीक के कॉलेज में जाकर वहाँ पर जो फैकल्टी है या ऑफिस स्टाफ है उनसे आपको पूरी पूरी मदद मिलेंगी, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अगर आप चाहते हो कि आपका एडमिशन इसी साल हो जाए, तो आप उसके रेगुलरली विजिट कीजिए, उसके जो ब्रोशर पब्लिश हुए ब्रोशर ठीक से पढ़िए, और आप किसी कॉलेज के कांटेक्ट में रहिए, ताकि आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ से आपको हेल्प मिल सके। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें।